नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा कलेक्टर के आदेश के बाद जिले भर में माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई काफी तेजी से की जा रही है, और इसी सिलसिले में एक वृद्ध महिला की जमीन को उसके नौकर की सहायता से अवैध तरीके से 8 करोड़ रुपए में बेचने वाले भू माफियाओं में से एक अशोक कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि अशोक कुशवाहा गैंग का निर्माण कर अवैध तरीके से कागजात निर्माण कराने के बाद लोगों की जमीनों को अवैध तरीके से बेचने का काम किया करता था। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। ये एक मुहतरमा है अनीश ताहिरा, जो भूगर की निवासी है। इन्होंने थाना सिविल लाइन में मार्च 2019 को सूचना दिया था कि अनंतपुर इटौरा बाईपास के आसपास उसकी ज़मीनें हैं, जिनको फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने उसको हथिया लिया है, रजिस्ट्री करा लिया है, बिक्री की गई है, और उसमें करोड़ों रुपए में उनके बेशकीमती ज़मीन को खुर्दपुर कर दिया गया है। अनंत करीब 8 करोड़ के आसपास की उनकी ज़मीनें बाईपास से लगी हुई थी, उसका हिसाब लगाया गया है, जो दृष्टियाँ स्लैब हुई हैं। इसमें मुख्य रूप से उनके यहाँ एक काम करने वाला व्यक्ति था, मोहम्मद आरिफ, ये ऊपर कहीं रहने वाला है। उनके यहाँ कई महीनों से काम कर रहा था, उनके पेपर्स की धीरे धीरे उसने जिराक्स का भी तैयार की, और उनके सिग्नेचर की ट्रू कॉपी तैयार की, और एक फर्जी हिबानामा उन्होंने तैयार किया मोहम्मद आरिफ ने, और उस फर्जी हिबानामा के आधार पर एक गैंग पूरा इसमें सक्रिय हुआ। उस ज़मीन को उनके जो नाम से जो थी मोहतरमा अनीशा ताहिरा के नाम से जो ज़मीनें थी उनकी ज़मीनों को खुर्दपुर करने के लिए, जो कि काफ़ी वृद्ध है महिला, आए दिन देख रेख नहीं कर पाती थी अपनी ज़मीन का, तो थोड़ा उसके ऊपर विश्वास भी करती थी, तो इसने फर्जी हिबानामा तैयार करके और इस तरह से इसने उन ज़मीनों को कई पार्टियों को बिक्री कर दिया। इन पे एक ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं मिस्टर अशोक कुशवाहा, जो लिपनिया के रहने वाले हैं, ये इनका भी यही काम है, ये ज़मीन जायदाद के खुर्दपुर करने का काम जो काफ़ी समय से कर रहे थे। ये पहली बार जो किसी गिरफ्त में फंसे हैं, ये बिल्कुल भू माफिया की कहा जाए इनको तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बहुत बड़े भू माफिया हैं। तो इसी तरह से मोहम्मद जे आरिफ के साथ मिलके और एक दरियाब मोहम्मद, जो धुविया टंकी का रहने वाला है, मोहम्मद दरियाब मोहम्मद, मोहम्मद आरिफ और मिस्टर अशोक कुशवाहा, ये तीन लोगों ने मिलके अभी तक के जांच में जो पाया गया कि इन लोगों ने उस ज़मीनों को खुर्दपुर किया और उनको तकरीबन आठ करोड़ रुपए में बिक्री किया कई पार्टियों को। इनको शिया पुल के पास से देर रात में इनको एक छुपके रहते थे, कभी जाहिर तौर पे नहीं आए। जब से शिकायत हुई इस संबंध में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 154/19 धारा 420 467 68 471 पंजीबद्ध किया गया था। काफ़ी समय से इनकी तलाश जारी थी, ये माननीय उच्च न्यायालय में भी गए रिलीफ के लिए, लेकिन इनकी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनकी जमानत निरस्त कर दी थी, और ये बड़े मुश्किल से कल दस्तयाब हुए हैं। इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और अभी इनसे मामले के संबंध में और भी पूछताछ की जा रही है। हमारी जो टीम है, हमारे जो आरक्षक हैं पारस जितेंद्र सेन, पारस तिवारी और आपके सुशील द्विवेदी और राजीव द्विवेदी, इनका मुख्य रूप से सहयोग रहा, और ये मुख्य रूप से सूचना प्राप्त हुई थी, कुछ लोगों ने हमको जानकारी दी। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।